वेलकम बैक पेरेंट्स, बेबीज़ वर्ल्ड इंडिया में आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखना सिखाने के लिए। और ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं जो कि प्री स्कूल में टीचर्स बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाने के लिए अपनाते हैं। और ये डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट मेथड्स होते हैं कि बच्चे का ब्रेन जिस हिसाब से मैच्योर होता है, जिस हिसाब से ईजिली चीज़ों को सीख सकता है, उस तरीके से बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, बच्चे को ए टू जी पहचानना सिखाइए, ए टू जेड तक पहचानना सिखाइए। तो अल्फ़ाबेट्स बोलना और पहचानना सिखाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि फ्लैश कार्ड बहुत ही हेल्प करता है। जब आपका बच्चा अल्फ़ाबेट्स पहचानना सीख जाए तो उसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए इस तरीके से आप कोई ट्री बना लीजिए, कोई बड़ा सा हार्ट बना लीजिए, कोई एक सर्कल बना लीजिए और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बच्चे को ए की पहचान करानी है, इस हफ्ते आपको ए पे वर्क करना है, तो उसमें 5-6 ए लिख दीजिए और साथ ही साथ दूसरे लेटर्स भी लिख दीजिए और बच्चे को कहिए जहाँ जहाँ पे भी ए है उसको सर्कल करो। या फिर आप बच्चों के लिए जो स्टैम्प आते हैं वो दे सकते हो कि जहाँ जहाँ पे ए है उस पे स्टैम्प करो। नॉन टॉक्सिक वाटर कलर्स जो आते हैं वो भी फिंगर पे बच्चे को लगा के दे सकते हो कि जहाँ जहाँ पे ए है फिंगर से स्टैम्प करो। तो इस तरीके से बच्चे का उस वर्ड को लेके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद का स्टेप लिखने का आता है। तो सबसे पहले हम बच्चों को A4 साइज़ के पूरे पेज पे बड़े बड़े लेटर्स लिखना सिखाते हैं। पूरे पेज पे सिर्फ एक ही या मैक्सिमम दो लेटर्स हों, बस इतना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बच्चे को अगर L लिखना सिखा रही हूँ तो इस पूरे पेज पे सिर्फ L इस तरह से लिख के दे दूँगी और इस पे ट्रेसिंग करने के लिए कहूँगी। और उसके बाद फिर आप इस तरह के जो ट्रेसिंग बुक्स आते हैं वो भी जो बड़े लेटर्स जिसमें होते हैं ट्रेस करने के लिए लाइन के अंदर, वो लिखने के लिए दो। सबसे पहले अगर आप इसी पे ट्रेस कराना शुरू करोगे तो बच्चे को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा और आपको लगेगा हमारा बच्चा लिखना नहीं चाहता है, हम कैसे लिखवाएं। तो गो अहेड विथ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट मेथड स्टेप बाय स्टेप। बच्चे आसानी से सीखेंगे, बगैर रोए गाए सीखेंगे और उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो मैं आपको एक शीट दिखा रही हूँ जो कि मोस्टली प्री स्कूल्स यहाँ फॉलो करते हैं। टीचिंग अपर केस हैंड राइटिंग विदाउट टीयर्स प्री के प्रोग्राम, अ डिवेलपमेंटली बेस्ड प्रोग्राम फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन। द प्रोग्राम यूजेज ए मल्टी सेंसरी अप्रोच फॉर प्रिंटिंग अपर केस, प्रिंटिंग मतलब राइटिंग अपर केस लेटर्स। बिलो इज द प्रोग्रेशन ऑफ लेटर फॉर्मेशन दैट विल बी यूज्ड। स्ट्रेट लाइन्स जिसमें कि स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन दोनों आता है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन्स में आते हैं। कर्व्ड लाइन्स एंड डायगनल लाइन्स जिसे आप स्लैंटिंग लाइन्स भी बोलते हो। तो ये देखो फर्स्ट लाइन में एल एफ ई एच टी और आई, इन सभी में स्ट्रेट लाइन्स का यूज़ किया गया है। जैसे कि एच में दो स्टैंडिंग लाइन है और एक स्लीपिंग लाइन है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। तो बच्चे स्टैंडिंग लाइन्स सबसे पहले खींचना सीखते हैं, उसके बाद फिर स्लीपिंग लाइन्स और दोनों ही स्ट्रेट है, राइट। उसके बाद आप देखो सेकेंड रो में, सेकेंड लाइन में जो लेटर्स हैं उसमें कर्व बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड लाइन में ये जो लेटर्स हैं उसमें आप देखो स्ट्रेट लाइन है और कर्व है, जैसे जे में पहले स्ट्रेट लाइन है फिर लेफ्ट साइड पे कर्व है, डी में एक स्ट्रेट लाइन है फिर एक बड़ा सा कर्व है उसके राइट साइड पे। आर के बाद देखो यहाँ पे आर में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, कर्व भी है और उसके बाद एक स्लैंटिंग लाइन भी है। तो जब पहले बच्चे को हमने स्ट्रेट लाइन वाले लेटर्स लिखना सिखाया, फिर कर्व वाले लेटर्स लिखना सिखाया, उसके बाद स्ट्रेट और कर्व का जो मिक्स होता है जिस लेटर में वो लिखना सिखाया, और उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइंस एंड डायगनल लाइंस वाले जो लेटर्स हैं वो लिखना सिखाया। तो इसी तरीके से आप अपने बच्चों को भी लिखना सिखाइए, बच्चा बगैर रोए बहुत ही आसानी से लिखना सीखेगा, इंटरेस्ट लेगा लिखने में और बच्चे में आप इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, क्योंकि आप इन स्टेप से अगर बच्चे को अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाते हो तो आप
उनके हिसाब से, उनके डेवलपमेंट के हिसाब से लिखना सिखा रहे हो। और जो प्री स्कूल में क्यूरिकुलम्स फॉलो करते हैं वो बहुत सारे बच्चों पे रिसर्च होने के बाद जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेके आसानी से उन चीज़ों को सीखें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।